हंगामे के बाद आज पूरा धनराज के परिवार धीरे धीरे संभलने की कर रहा है कोशिश। सभी बैठे हैं नाश्ते की टेबल पर। अपने अतीत का इतना बड़ा राज खोलने के बाद पंक्ति जरी हुई है, सहमी हुई है। पंक्ति एक एक करके लेती है सभी का आशीर्वाद। तभी वहाँ आ जाता है आहान, जो पंक्ति से मांगता है उसकी सगाई की रिंग। आहान पंक्ति की एंगेजमेंट रिंग छोटी करवाने के लिए ले जा ही रहे होते हैं कि आहान को बीच में ही रोक लेते हैं मानव चाचा और निकालते हैं अपने मन की भड़ास। रुको, सब बिहेविंग कैसे कुछ नहीं हुआ। जो कल रात को हुआ उसे लेकर कई लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। इसे चुपचाप यहां आओ, हैव अ सीट एंड हैव अ डिस्कशन विद अस। बात करनी है तुमसे, उसके बाद डिसाइड करना ये रिंग छोटी करवानी है, लूज करवानी है या फिर वापस करनी है। समाने के बाद मानव धनराज गिर तो सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आहान को उनकी नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आहान मानव चाचा को देता है करारा जवाब। उसके बाद बहुत कुछ बदल गया, कुछ नहीं बदला। पंक्ति मेरी मम्मी सर है, मेरी मम्मी बनी हुई है। पंक्ति, लगता है कि आपकी सच्चाई जानकर धनराज के परिवार को काफी बड़ा सदमा लगा है। बीबी एजियन, ये उनके लिए बहुत नया है, अभी उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है इस चीज को डाइजेस्ट करने के लिए कि उनको क्या सच्चाई पता लगी है। तो उन सबके लिए नया है, वो जस्ट नेक्स्ट डे मॉर्निंग की बात है और वो सब कुछ रात को हुआ है। सबको टाइम लगेगा। जैसे तैसे सगाई तो हो गई, लेकिन मानव चाचा के तेवर देखकर ऐसा लग रहा है कि सगाई के बाद पंक्ति से शादी करने के लिए आहान आपको काफी पापड़ बेलने पड़ेंगे। जितने बेलने पड़ेंगे बेलेंगे, हम तो है ही शेफ, पैदा है पैदाइशी। और पापड़ क्या, हम पूरी रोटी बना देंगे इनको बचाने के लिए। और रोटी क्या, सबसे लड़ लेंगे, सबको समझा देंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि सब एक्सेप्ट करें, क्योंकि किसी भी लड़की को इन जनरल कभी भी ऐसे जज नहीं करना चाहिए उसके पास्ट को लेके। और समझना चाहिए कि उसकी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी, कुछ हेल्पलेस रही होगी वो किसी भी वे में, और उसको समझ के उसको हेल्प करना चाहिए। इसे कहते हैं सच्चा प्यार, जो लाख मुश्किलें आने के बाद भी कायम रहता है। पंक्ति को पाने के लिए आहान 100 मुश्किलें पार करने के लिए भी तैयार है।